एपिसोड 101, द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय मेल्स टू फीमेल्स। नागाल अपनी पूंछ से अपने लिए रास्ता बनाता है। घर पहुंचने के बाद भी निया को वो लड़ाई वाले सीन दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जिराज अपने हाथों से निया के गाल रब करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? निया अपनी आंखें घुमाती है। वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं पिग हूं? मैंने अभी ही राइस खाए हैं और मैं दिन में सिर्फ दो बार ही खाती हूं। दोपहर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है। फिर राइस? जिराज को जलन होती है। अब वहां पर राइस थे तो निया की भूख डबल हो गई है। जिराज कुल्हाड़ी उठाकर बोलता है, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूं। वो देखता है कि नागाल के उसके साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है, तो वो बोलता है, हाँ स्नेक, चलो मेरे साथ। निया के साथ अकेले रहने के बारे में सोचना भी मत। नागाल जिराज की तरफ देखता है। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा है कि वो क्या बोलना चाहता है। क्या तुम मार खाना चाहते हो? जिराज का दिल घबराने लगता है। निया सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, फिर बोलती है, मैं सोच रही हूं कि हमारे पास जो लकड़ियां हैं मैं उसे ठीक से जमा दूं। नागाल, तुम मेरी मदद करो। अब जिराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अकेले ही चला गया। टहनियां और शाखाएं बहुत जगह घेर रही थी। निया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसका ऑयल निकाल लें। इससे ये न सिर्फ जगह कम घेरेगा बल्कि आग जलाने में भी मदद मिलेगी। उनके घर के आसपास बहुत सारे बैम्बू के पेड़ थे और उनमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है। निया शाखाओं के ढेर की तरफ देखते हुए बोलती है, नागाल मुझे ये बंडल उतारने में मदद करो। नागाल बोलता है, ठीक है, और वो अपनी पूंछ से पकड़कर वो बंडल नीचे रख देता है। निया झुककर वो बंडल खोलने की कोशिश करती है। फिर कुछ देर कोशिश करने के बाद उसको गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है कि मैं अब इसे फोर्स से तोड़ दूंगी। अचानक निया को अपने एंकल पर कुछ महसूस होता है और उसमें ताकत आ जाती है। नागाल उसको पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम पिछली बार की तरह बेहोश होना चाहती हो? वो नागाल की तरफ देखकर बोलती है, क्या? फिर निया को याद आता है कि एक दिन अचानक उसमें बहुत ताकत आ जाती है जिसके कारण वो आसानी से पेड़ की शाखाएं तोड़ देती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उस समय उसे लगा था कि शायद उसकी बॉडी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसीलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था। इसका उससे कोई संबंध है? निया गुस्सा होकर पूछती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? निया को अपने एंकल पर अजीब सा फील होता है। वो बोलती है, इसका तुम्हारे साथ कोई संबंध है? नागाल निया का सर सहलाते हुए बोला, जब हम मेट्स बन गए थे फिर ये मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दिया था ताकि तुम मुश्किल के समय में इसे इस्तेमाल कर सको, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूं इसीलिए तुम ये सहन नहीं कर पाई और तुम बेहोश हो गई। निया सोचती है, इसीलिए मेरा मन होता है कि मैं पेड़ से लिपट जाऊं और उसे तोड़ दूं जैसे कि स्नेक करते हैं। फिर वो पूछती है, तो क्या ऐसे सभी मेल मेट बनने के बाद अपनी फीमेल को ताकत दे सकते हैं? नागाल बोलता है, जितना उन दोनों में प्यार रहता है उतनी ही ज्यादा वो पावर दे सकते हैं। निया का दिल खुश हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि वो और भी ताकतवर बन सकती है? तभी अचानक नागाल उसके सपने पर पानी फेर देता है। वो बोलता है, तुम कोशिश करो कि कोई ऐसी पावर यूज ही मत करो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम इसे तभी यूज करो जब तुम्हें अपनी जान बचानी हो। निया सोचती है कि ये सही है। जब भी उसने ये पावर यूज की है वो हमेशा ही गिर जाती है। उन दोनों ने मिलकर विलो ब्रांच को क्लीन रॉड में जमा दिया था। पहले उसे अच्छे से धो दिया और फिर सुखाने के लिए रख दिया। जब जिराज वापस आया तो निया नागाल को बोलती है कि लकड़ी लेकर आओ। फिर जिराज को बोलती है कि टू स्टोन को लेकर उसे जमाओ। उसे एक लंबा पत्थर और एक गोल पत्थर चाहिए था। पेड़ की शाखाएं रखने के लिए लंबे पत्थर में एक कट लगाना है। गोल पत्थर की साइड ऐसे पॉलिश थी कि वो उस कट में फिट हो जाए। उसके सेंटर में एक छेद भी है। एक लकड़ी का टुकड़ा उस छेद में रखा है। ये शाफ्ट की तरह काम करेगा। जिराज उन अजीब दिखने वाले पत्थरों को देखकर पूछता है, निया तुमने मुझे ये बनाने को बोला क्यों? एपिसोड 102, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। निया ने साफ विलो ब्रांच उठाई और जिराज की तरफ मुस्कुराकर बोलती है, मेरा इसको यूज करने का नेचुरल तरीका है, तुम भी मेरी मदद करो। फिर वो उस कट में विलो ब्रांच रखती है
और फिर जिराज को उस पर राउंड स्टोन रखने को बोलती है। वो हैवी स्टोन उस लकड़ी को चपटा कर देता है और उसमें से ग्रीन कलर का ऑयल बाहर निकलता है। वो देखकर जिराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। निया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। मुझे सक्सेस मिल गई। उसे ये आइडिया गन्ने के रस की मशीन को देखकर आया था। जब उसने शुरू किया था तब उसे पता नहीं था कि ये ठीक से काम करेगा या नहीं। गन्ने में विलो ब्रांच से ज्यादा पानी होता है। उसे पता नहीं था कि वो इस ब्रांच में से ऑयल निकाल पाएगी कि नहीं। थैंकफुली वो पत्थर ज्यादा भारी था, इसीलिए उससे वो ऑयल निकल गया था। फिर वो दोनों खुश होकर ब्रांच को कुचलने के लिए राउंड स्टोन को रोल करते हैं। उसमें से धीरे धीरे ऑयल निकलता है, जिसे वो एक बेसिन में इकट्ठा कर लेते हैं। जब तक नागाल वापस आता है वो पूरा बेसिन भरकर ऑयल निकाल चुके थे। अब वहां बहुत ही कम लकड़ी बची थी, बल्कि अब बाहर लकड़ी के अवशेषों का ढेर पड़ा था। वो निया को आश्चर्य से देखता है, फिर लकड़ी नीचे रख देता है और बाहर चला जाता है। उस ऑयल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उसे बैठने का थोड़ा टाइम दो, थोड़ी देर में पानी और ऑयल अलग हो जाएंगे। ऑयल हल्का होता है, इसलिए ग्रीन ऑयल की परत ऊपर जम गई थी। फिर निया स्टोन बाउल का इस्तेमाल करके ऑयल निकालती है। जब सारा ऑयल निकल जाता है तो उस बाउल में आधे से भी ज्यादा ग्रीन पानी था। जितना जिराज उसे देखता है वो उतना ज्यादा इंप्रेस होता है। फिर वो सब ऑयल एक बैम्बू में डाल देता है और उसे बंद कर देता है। फिर वो गहरी सांस लेकर बोलता है, तुम एप सच में इंटेलिजेंट होते हो। अपनी तारीफ सुनकर निया शर्मा जाती है। वो स्माइल करके बोलती है, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूं और सबसे इंपॉर्टेंट वो मॉडर्न वर्ल्ड से आई है, इसीलिए उसे ज्यादा नॉलेज है। एक बार जिराज को ये करना आ गया फिर वो निया को कभी नहीं करने देगा। नागाल और जिराज को लकड़ी लाने और कुछ बाल्टी ऑयल निकालने में आधा दिन लग गया, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही काफी था। जैसे ही टेम्परेचर कम होता आसमान में कोहरा जम जाता है। निया को भूख लगने लगती है, तभी उसे याद आता है कि आज तो जिराज शिकार करने ही नहीं गया है। नागाल उसकी कमर पकड़कर बोलता है, तुम्हें भूख लगी है? उसके होंठ निया के कान के पास थे, तो जब वो बोलता था तो उसके मुंह से ठंडी हवा निकलकर निया के कान में चली जाती है। वो बोलता है, मैं जाकर राइस बनाता हूं। निया अपनी गर्दन हिलाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तभी जिराज आकर बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, आज बॉनफायर पार्टी है, चलो फ्री का खाना खाते हैं। बॉनफायर पार्टी? निया को एप किंग की बात याद आती है, उसने व्हाइट टाइगर को इनवाइट किया था। वो पूछती है, हम भी वहां जा सकते हैं? लेकिन वो तीनों आम आदमी थे तो क्या उनको अंदर आने की इजाजत होगी? जिराज बोलता है, वहां सभी फीमेल्स आ सकती हैं और हम तुम्हारे मेट बनकर तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर वो पूछती है, तो फिर सिंगल मेल का क्या? उसे लगा उनको आना अलाउड नहीं होगा, इसीलिए एप किंग ने व्हाइट टाइगर को इनवाइट किया था। जिराज बोलता है, रॉयल्टी आ सकते हैं और अगर किसी को फीमेल इनवाइट करे तो वो भी आ सकते हैं। जिराज खराब मुंह बना लेता है जब अचानक उसे टाइगर फीमेल शिल्पा का ध्यान आ जाता है। निया को जिराज का बदला हुआ एक्सप्रेशन पकड़ में आ जाता है। उसे याद आता है कि एक बार उसे भीड़ में फंसाने की कोशिश की गई थी। उसे समझ में आ गया था कि वो ऐसा क्यों हो गया है। निया जिराज के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, उसके चक्कर में अपनी हेल्थ खराब करने का कोई मतलब नहीं है। जिराज चिढ़कर बोलता है, अगर हम वहां जाएंगे तो फिर उससे टकरा जाएंगे। निया उसे समझाते हुए बोलती है, ये सब वक्त पर छोड़ दो, चलो चलते हैं। जिराज निया को खींचकर ले जाता है और नागाल उनके पीछे पीछे जाता है। एपिसोड 103, बॉनफायर बैंक्वेट। जिराज पलटकर नागाल को देखता है और बोलता है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? नागाल बोलता है, जहां जहां निया जाएगी मैं भी उसके पीछे आऊंगा। जिराज उसे कुछ और भी बोलना चाहता था लेकिन निया उसका हाथ खींचकर बोलती है, वो मेरा मेट है। जिराज मुंह बना लेता है, फिर वो नागाल की पूंछ की तरफ इशारा करके बोलता है, अगर तुम अपना पीछा नहीं करवाना चाहते हो तो अपनी पूंछ दूर रखो। निया नागाल को घर में खींच लेती है और बोलती है, वापस जाओ और स्कर्ट पहनकर आओ, जाओ। नागाल बोलता है, ठीक है। वो नागाल को बेडरूम में खींच लेती है और फिर घूम जाती है। जब तक वो इंतजार कर रही थी वो अपना मिरर निकालकर उसमें अपना चेहरा देखती है।
खुद से बोलती है, नॉट बैड, मेरे मुंह पर झाइयां ज्यादा हैं लेकिन नेचुरल लग रही हैं, बस मेरे बाल ही थोड़े बेकार लग रहे हैं। निया अपना कॉम निकालती है और अपने बाल ठीक करती है। इससे उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे फ्राउन बना दिया था। यहां पर शैम्पू भी नहीं थे तो उसे अपने बाल धोने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसकी वजह से उसके बाल उलझ गए थे। वो उसे अब काट कर शॉर्ट करना चाहती थी। फिर उसे याद आता है कि यहां पर फीमेल अपने बाल शॉर्ट ही रखती हैं। क्या उसका कारण यही है? अपने बाल ठीक करने के बाद निया अपनी स्किल से 3 चोटी बनाती है और उसमें पर्पल क्रिस्टल का क्लिप लगाती है। इस वजह से अब जो बाल कंधे के पीछे चले गए थे वो खराब नहीं लग रहे थे। अब निया मिरर देखकर खुश हो जाती है। वो जैसे ही मिरर नीचे रखती है उसके सामने नागाल खड़ा था। नागाल हाथ उठाकर निया के सर में लगा फ्लावर देखता है। फिर वो उसका चेहरा देखकर बोलता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। निया का फेस गर्म हो जाता है। वो नागाल का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और बोलती है, चलो जिराज बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। निया को बाहर आता देखकर जिराज की आंखें भी चमक जाती हैं। वो उसके पास जाकर उसके सर को छूना चाहता था। वो बोलता है, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके छूने से बचने के लिए निया नीचे झुक जाती है और बोलती है, तुम इन्हें मत छुओ, ये बिगड़ जाएंगे। जिराज अपने हाथ को रोक लेता है और फिर उसकी हेयर क्लिप देखकर बोलता है, ये क्या है, तुम्हारे पहले किसी चाहने वाले ने गिफ्ट किया है? निया बोलती है, ये शायद रेजिन है और तुम इसे गिफ्ट समझ सकते हो। बॉनफायर पार्टी एपकिंग के स्टोन कैसल में ही थी। ये स्टोन कैसल भी बाकी 3 कैसल जैसा ही था, लेकिन इसके पीछे बगीचे का एरिया बहुत ही बड़ा है जिसमें हजारों लोगों की पार्टी भी रख सकते हैं। अभी कुछ फीमेल अपने मेट के साथ आ गई थी। वो लोग 3 से 5 के ग्रुप में आए थे। सभी के सेंटर में फीमेल थी। उसमें कुछ छोटी लड़कियां भी थी लेकिन छोटे लड़के नहीं थे, क्योंकि मेल से एक उम्र के बाद ही इंसान बन सकते हैं। उस दुनिया में आने के बाद निया ने पहली बार इतनी फीमेल्स को देखा था। थोड़ी देर वो उनको घूर कर देखती है। वो आइडिया लगाती है कि यहां सभी को मिलाकर 200 से 300 फीमेल्स हैं। निया पूछती है, यहां सभी फीमेल्स नहीं आई हैं क्या? उसने एक हाथ से जिराज को पकड़ रखा था और दूसरे में नागाल का हाथ था। जिराज बोलता है, अभी कई सारी फीमेल्स पीरियड में हैं तो उनको यहां आने में तकलीफ होती है। निया अपनी आंखें नीचे करती है और अपना पेट देखती है। वो भी पीरियड में थी लेकिन वो उसे पार्टी में आने से नहीं रोक पाया। निया कुछ बोले उसके पहले ही जिराज बोलता है, उनके पास तुम्हारे जैसे अंडरवेयर नहीं है इसलिए वो लोग पीरियड में बाहर नहीं आते हैं। निया को अब समझ में आता है, ओके। वैसे तो पशु मानव की नाक बहुत तेज होती है लेकिन फिर भी कोई पकड़ नहीं पाया कि उसको पीरियड है। जब वो बातें कर रहे थे तभी एप किंग आता है। उसके साथ उसके गार्ड्स भी थे। ये बारिश का मौसम था तो शाम को यहां बहुत ठंड हो जाती है। एप किंग मुस्कुराकर बोला, बॉनफायर शुरू करो। एपिसोड 104, नियाज निकनेम डॉगी। उसकी आज्ञा मिलते ही कई एप पशु मानव अपने हाथ में शिकार लेकर आते हैं। वो आग जलाने के लिए और उस पर खाना पकाने के लिए टीम्स में बट जाते हैं। वहां देखने में ऐसा लग रहा था जैसे एक बॉनफायर एक फीमेल को दे रखा था। जब निया देखती है कि सब अपनी बॉनफायर चूज कर रहे हैं तो वो पूछती है, क्या हम भी अपना बॉनफायर चूज कर सकते हैं? जिराज बोलता है, हाँ बिल्कुल। निया इधर उधर देखती है और फिर कॉर्नर वाले बॉनफायर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, उस वाले पर चलते हैं, उस जगह थोड़ी शांति लग रही है। ओके। तीनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। निया खुश हो जाती है क्योंकि उनको फ्रूट्स मिलते हैं जिसमें बनाना, वाटरमेलन और ऑरेंज होते हैं। जब तक मीट रोस्ट हो रहा था निया एक बनाना उठाकर खाने लगती है। वो बोलती है, इतना सारा खाना, क्या यहां पर फ्रूट के पेड़ हैं? जिराज मुंह बनाकर बोलता है, जो फ्रूट पशु मानव ने उगाए हैं वो तो बहुत ही खराब टेस्ट देते हैं, फीमेल वो नहीं खाती। इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। ये सब फ्रूट जंगल से लाते हैं और यहां पर बेस्ट फ्रूट ही लाए जाते हैं। निया अपना सर हिलाती है। वो सोचती है, वो इसीलिए क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि फ्रूट कैसे उगाते हैं। आजकल बाजार में मिलने वाले फ्रूट्स भी टेस्टी नहीं होते हैं।
क्योंकि उनको पकाने के लिए भी केमिकल यूज करते हैं। गांव में जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। जैसे ही अंधेरा बढ़ता है कोहरा भी बढ़ जाता है। बॉनफायर की वजह से वहां गर्मी रहती है, इसीलिए वहां कोहरा भी कम ही रहता है। डॉगी, पीछे से एक औरत की आवाज आती है। निया पीछे मुड़कर चिल्लाती है, कौन है? वो औरत नीचे बैठकर कुत्ते को खिला रही थी। ये वही फॉक्स फीमेल है जिसने व्हाइट टाइगर को रिजेक्ट किया था। उसके साथ में एक मेल था, शायद ये वही था जिसने लड़ाई जीती थी। अभी निया को तीन आंखों के पैर घूर रहे थे और उनके चेहरे कंफ्यूज लग रहे थे। पहले तो निया सरप्राइज से देखती है और फिर अपना सर घुमा लेती है। उसे डॉगी कौन बुलाएगा, लेकिन फिर भी उसने रिस्पॉन्स दे दिया था। ये कितनी शर्म की बात थी। होपफुली वो दो लोग समझें कि वो किसी और से बात कर रही थी। जिराज पलटकर निया से पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? नागाल जो गुस्से वाला है वो भी पलटकर देखता है। वो फॉक्स फीमेल राहत की सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे लगा तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। ये डॉगी कितना सुंदर है। वो आदमी बोलता है, ये डॉगी नहीं है, मेरा छोटा भाई है। तुम्हें ये पसंद है? हम एक लिटर को जन्म दे सकते हैं। फॉक्स फीमेल मुस्कुराकर बोलती है, ओ ये छोटा पशु मानव है। निया बोलती है, नहीं मैंने गलत सुन लिया था। वो शर्मिंदा होकर अपना खाना खाने लगती है। जिराज को डाउट होता है, लेकिन नागाल बोल ही देता है, तुम डॉगी नाम के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो, क्या ये तुम्हारा भी नाम है? निया चुप हो जाती है। वो मन में बोलती है, नागाल तुम्हें इतनी बुद्धि लगाना जरूरी थी? ये सच था कि निया का निकनेम डॉगी था। ये निकनेम उसे स्कूल में दिया गया था। एक लड़का जो उसका अच्छा दोस्त था, वो थोड़ी देर तक उसको देखता रहा और फिर अचानक उसे डॉगी बोला। वो गुस्से से उससे पूछती है कि उसने उसे डॉगी क्यों कहा, तो वो कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता है। फिर लड़कों में उसका निकनेम डॉगी फैल गया। बाद में जो लड़कियां उसे पसंद नहीं करती थी वो भी उसे चढ़ाने के लिए डॉगी बुलाने लगी। जब वो कुछ स्टुपिड करती थी तो उसकी फ्रेंड्स भी मजाक में डम डॉगी बुलाते थे। वो एक कुत्ता बन गई थी जो दो पैर पर चलता था। फिर जब वो यहां आई तो उसका निकनेम एक अनसॉल्व मिस्ट्री क्यों बन गया था। फिर एक वुल्फ पप दौड़ता हुआ खाने के लिए निया के पास आता है। वो बहुत सुंदर लग रहा था। निया उसे उठा लेती है। उसको थोड़ी देर देखने के बाद वो सोचती है, क्या मैं सच में डॉगी की तरह लगती हूं?